हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजनास आर्ट स्टूडियो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये खूबसूरत सा केरला वॉल आर्ट या क्राफ्ट, जो कि सिर्फ कार्डबोर्ड से बनाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई भी आप ड्राइंग पेपर या वाइट पेपर लीजिए इस तरह से, और अब कोई भी नॉर्मल सी पेंसिल चाहिए। तो सबसे पहले हम एक आउटलाइन ड्राइंग बनाएंगे, मतलब जो भी क्राफ्ट यहाँ पे अब हमें बनाना है उसका एक आउटलाइन वर्क हम पहले बनाएंगे। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि ड्राइंग कैसे करते हैं, मतलब जो भी फीचर्स हम ड्रॉ करते हैं बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के, तो वो कैसे बनाते हैं आप वो भी बताइए। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह से ये फिगर्स ड्रॉ किए जाते हैं। तो डिटेल में मैंने ये पहले ड्राइंग की है, तो आप देखेंगे इस तरह से मैंने ये ड्रॉ किया है। उसके बाद हम आगे का वर्क देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, एक केरला आर्ट वर्क है, मतलब केरला जो बोट होती है वहाँ पे, और जो वहाँ का एक फेमस आर्ट डांस फॉर्म है कथकली डांस, तो वो डांसर्स को हमने यहाँ पे एक क्राफ्ट की स्टाइल में बनाया है। कुछ म्यूजिशियंस बनाए हैं और बेसिकली ये एक वॉल हैंगिंग हम इसे बना रहे हैं। तो अब देखिए पहले किस तरह से ये पूरी ड्राइंग कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे अब हम ये डांसर्स को इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक आप कोई भी रफ आउटलाइन बना लीजिए, उसके बाद ही फाइनल जो वर्क होता है उसे हमें फाइनल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से इनका जो फेस होता है वो बनाया जाता है, मतलब एक फेस मास्क ये पहनते हैं तो उसे बनाया जाता है इस तरह से। मतलब जैसे भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप उसी तरह से ड्रॉ कीजिए। और ऊपर एक बड़ी सी क्राउन होती है, और जो कॉस्ट्यूम भी होता है तो उसे भी हम डिटेल में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो पूरा जो प्रोसेस है मैंने डिटेल में ड्राइंग का आपको बताया है, इसी प्रोसेस से आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से जो भी फाइनल ड्राइंग या आउटलाइन वर्क है वो रेडी हो गया है। इसके बाद लेना है कार्डबोर्ड, जो भी हमने ये आउटलाइन किया था उसे अच्छे से कार्डबोर्ड के ऊपर कार्बन पेपर की हेल्प से ट्रेस कर लेना है, यानी कि छापना है, और अच्छे से ब्लैक पेन या मार्कर से आप इसे आउटलाइन को बनाइए और इसे ट्रेस कर लीजिए। इसके बाद ये डिज़ाइन जो है कार्डबोर्ड के ऊपर रेडी हो जाएगी, और हमें अभी कटर से या सीजर से इसे कट कर लेना है। और हमारा जो फाइनल ये जो भी हमें शेप चाहिए क्राफ्ट, वो रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब हम करते हैं कलरिंग या पेंटिंग। तो पेंटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने पर्ल मेटालिक कलर्स और एक्रेलिक कलर्स को लिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, वो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो अब हम अच्छे से पेंटिंग करते हैं। Thank you.
तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम ये केरला का फेमस डांस फॉर्म या फोक डांस फॉर्म कथकली डांसर यहाँ पे बना रहे हैं, मतलब ये बोट में हम ये सब दिखा रहे हैं, म्यूजिशियंस, डांसर्स, एक डेकोरेटिव अम्ब्रेला और ये सब। तो यहाँ पे ये कथकली डांस फॉर्म जो है ये बहुत ही डेकोरेटिव स्टाइल में मनाया जाता है। इनके चेहरे पे एक फेस मास्क की तरह डेकोरेट किया जाता है, सिर पे बड़ा सा क्राउन होता है जिसे अभी मैंने पेंट किया, और इनके कॉस्ट्यूम भी बहुत ही अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव रहते हैं। तो उसी स्टाइल में हमें पेंटिंग भी करनी है, मतलब उस फील के साथ ही कलर्स को भी इस तरह से पेंट करना है, ऐड करना है। तो पहले अब हम इसकी जो बेसिक पेंटिंग है वो पूरी करते हैं। तो इस तरह से अब हम कुछ डिटेल्स इसमें ऐड करेंगे, मतलब जो भी कॉस्ट्यूम है, चेहरे के जो भी फीचर्स हैं या बाकी के जो भी डिटेलिंग करनी है वो सारी अब हम अच्छे से डिटेल्स इसमें बनाते हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस से आप इस आर्ट या क्राफ्ट को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी डिटेल्स बनाने के बाद हमारा ये आर्ट वर्क या क्राफ्ट पूरा रेडी हो गया है। और कितनी आसानी से और खूबसूरती से सिर्फ और सिर्फ कार्डबोर्ड से इसे बनाया है। और ये रहा इसका ये फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा। और अगर नए मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।